वेलकम बैक गाइस ऑन ब्यूटी एंड हेल्थ टू 405। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारी स्किन के दाग धब्बे छाइयाँ हटाती है। और अगर आप 28 एज क्रॉस कर गए हैं तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी स्किन को रिपेयर करता है। हमारी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं, स्किन जो डलनेस दिखती है, वो सबको हटाता है। तो विटामिन सी सीरम अप्लाई ज़रूर करें अगर आप 28 क्रॉस कर गए हैं तो। इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लाए हैं हम घर पर बनी हुई सीरम, क्योंकि मार्केट से जब हम सीरम लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती है और उसे बाय करते हैं, एक महीने भी नहीं पूरे की और 600 रुपये की सिर्फ 100 ग्राम तक आती है, ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर आपको लेना है संतरे के छिलके, उन्हें गर्म पानी में डालना है और अच्छे से बॉईल करना है, जिससे इनके पूरे गुण जो हैं वो वाटर में आ जाए और ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इससे क्या होगा कि विटामिन सी जो होती है संतरे के छिलके में भरपूर होती है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले ही आपकी कोई भी एज हो। इससे क्या होता है कि आपके जो भी स्किन पे प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्ने होता है, पिंपल हो रहा है, कहीं दाग हो रहे हैं, कहीं छाई हो रही है, चेहरे पे डलनेस दिख रही है, ग्लो नहीं दिख रहा है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। इनको क्या करना है, आपको पीस लेना है मिक्सर में अच्छे से, जिससे ये पेस्ट बन जाए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ 4 टैबलेट विटामिन सी की। विटामिन सी क्या होता है, इतना ज़्यादा हमारी स्किन को चाहिए होता है कि छिलके से भरपूर नहीं मिल पाएगा, तो 4 टैबलेट आपको लेना है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऐड करना है, हमारी जो 4 टैबलेट हैं उनका मैंने पाउडर बना लिया है, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है, विटामिन सी में ऐड करने से हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारा जो ऑरेंज पील का हमने पेस्ट बनाया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। हम कोशिश करेंगे कि ऑरेंज पील ज़्यादा ऐड हो, इससे क्या होगा कि हमारी स्किन को विटामिन सी नेचुरली मिल जाएगा। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। फेंटना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि हम फेंटेंगे ना तो ये सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से फेंटें, हम जितना फेंट सकते हैं, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए और सब आपस में वेल कंबाइंड हो जाए, राइट। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके फायदे अनगिनत हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि 5 मिनट के वीडियो में मैं बोल भी दूँ और लिख भी दूँ तो नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपको सब यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पूरे इसके फायदे। विटामिन सी सीरम आप सिर्फ 1 मंथ यूज करके देखिए गाइस, आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। यकीन ना हो तो ट्राई कीजिए, ये चैलेंज लीजिए और फिर आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि स्किन पे बहुत अंतर आया है, क्योंकि विटामिन सी सीरम हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे तो मार्केट से बाय कर सकते हैं, पर बहुत महंगी मिलती है, उससे अच्छा है कि ये बना लें। 5 मिनट लगेगा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं। आपको करना है फेस वॉश, इसके बाद टैप करके अच्छे से मसाज करनी है, फिर थोड़ा सा लेना है, फिर मसाज करनी है, जिससे ये अपनी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक आपको इसकी मसाज करनी है अच्छी 2 से 3 मिनट। इससे क्या होगा कि 2 से 3 मिनट आप मसाज करेंगे रात में तो आपकी ब्लड फ्लो होगा स्किन पे, ब्लड फ्लो होने से ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और आपकी स्किन पे ग्लो दिखेगा, और जितने भी इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल, लेकिन मैं बाद में ऐड करूँगी। इससे पहले आपको क्या करना है, इसको एक उसमें रख लेना है कंटेनर में। विटामिन सी क्या होता है, सीरम ऑक्सीडाइज हो जाती है अगर धूप के कम कांटेक्ट में आती है तो आपको यहाँ पे एक डॉग बॉटल लेना है, मतलब जिसका कलर डार्क हो, दबाइया की जो बॉटल आती है वो आप ले सकते हैं अच्छे से धोने के बाद। अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने यहाँ इसी में रख दिया है, बाद में मैं इसे उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद आपको ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। आप चाहें तो यहाँ 2 कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो होती है वो नेचुरली हमारी स्किन को नरिश करती है, और जो फाइन लाइन्स रिंकल्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा स्किन ढीली ढीली हो जाती है, लूज दिखती है, तो ये सबको ख़त्म करती है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीरम आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ब्यूटी टिप्स हमारे चैनल पे इजीली मिलेंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सब नेचुरली मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने व्यू यहाँ पर जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।